यूरो कप 2024 में फ्रांस बाहर हो चुकी है। जी हाँ, स्पेन वर्सेस फ्रांस के सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर स्पेन ने अपनी जगह फाइनल्स में बनाई है। और फ्रांस की हम बात करें तो इसके कैप्टन किलियन एम्बापे, जो कि अभी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स माने जाते हैं, वो इस पूरे टूर्नामेंट में काफी एब्सेंट नजर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किलियन एम्बापे और पूरी की पूरी फ्रांस टीम इस यूरो कैंपेन में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है। जैसे कि हम लोग जानते ही है, फ्रांस ने एक भी ओपन प्ले से गोल स्कोर नहीं करा था क्वार्टर फाइनल तक। कल सेमीफाइनल में उन्होंने एक हेडर की मदद से पहला ओपन प्ले गोल स्कोर करा था। और बात करें तो हम किलियन एम्बापे की, तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक पेनल्टी से गोल स्कोर करा था। और कल रात को जो फ्रांस ने गोल मारा था उसमें उन्होंने असिस्ट दिया था कोलो मुआनी को। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से फ्रांस जो है इस टीम के चेंज से गुजर रही है कि बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे जानते हैं कि हिस्टोरिकली लास्ट 6-7 सालों में भी फ्रांस काफ़ी अच्छी टीम रही है। 2016 में भी यूरो कप का फाइनल खेले थे, हालांकि वो हार जरूर गए थे लेकिन खेले थे, अपने ही होम ग्राउंड में वो लोग फाइनल तक पहुंचे थे। बात करें अगर हम वर्ल्ड कप 2022 की, तो उसमें फ्रांस फाइनल तक पहुंची थी जिसमें किलियन एम्बापे ने हैट्रिक भी मारी थी। तो ऐसे लेवल का प्लेयर जो कि इतने बड़े स्टेजेस पे डिलीवर करता है, और हम जानते हैं किलियन एम्बापे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो एकदम से क्या हुआ किलियन एम्बापे को या फ्रांस को? तो आज हम वही जानेंगे क्या किस वजह से किलियन एम्बापे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें किलियन एम्बापे काफ़ी माहिर है। तो आज हम बात करेंगे तीन कारण की वजह से कि किलियन एम्बापे के खेलने में क्यों बदलाव आया और वो क्यों गोल नहीं मार पा रहे हैं। हम बात करें किलियन एम्बापे की, तो पहला कारण है कि किलियन एम्बापे, अगर आप लोग नोटिस करेंगे, जब वह 2018 के वर्ल्ड कप में आए थे किलियन एम्बापे एक बहुत ही स्किनी लड़के थे, 18 साल के, जो कि विंग पे खेलते थे, काफ़ी फ्लैशी थे, ट्रिक्स दिखाते थे, स्किल्स करते थे बॉल को लेके एकदम से। किलियन एम्बापे ऐसे प्लेयर हैं, उन पर इतना कॉन्फिडेंस था 18 साल की उम्र में कि वो डिफेंडर के पार बॉल को फेंक देते थे और डिफेंडर को आउटपेस करके बॉल वापस लेते थे और अंदर कटिंग करके स्कोर करने की कोशिश करते थे। हालांकि अब हम देखें तो किलियन एम्बापे का वेट जो है वो काफ़ी गेन हुआ है 2018 के कंपेरिजन में। ऐसा इसीलिए क्योंकि किलियन एम्बापे अब अपना क्लब चेंज करेंगे, वो पीएसजी पेरिस सेंट जर्मेन, जहाँ पे वो लेफ्ट विंग खेलते थे, उनकी प्रेफर्ड पोजीशन पे लेफ्ट विंग थी, लेकिन अब वो रियल मैड्रिड में एज अ नंबर 9, एज अ आउट एंड आउट स्ट्राइकर खेलेंगे, सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेलेंगे, जिसमें सेंटर फॉरवर्ड का काम इतना कटिंग करने का या स्किल्स या शो बोटिंग का नहीं होता है। उसके लिए रियल मैड्रिड में इनके पास विनीशियस जूनियर है एज अ नंबर 7, पर नंबर 9 जो कि किलियन एम्बापे होंगे, उनका काम रहेगा कि गोल स्कोर करना, चांसेस क्रिएट करना, शूट करना। शूटिंग एबिलिटी किलियन एम्बापे की जो है काफ़ी फेमस रही है, लेफ्ट विंग से भी वो शूट करते हैं तो काफ़ी अच्छा शूट करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड में लेफ्ट विंग पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है विनीशियस जूनियर जो कि इस साल बैलन डॉर के कंटेंडर है। अभी बैलन डॉर की रेस में वो फर्स्ट दिखाई दे रहे हैं हमें जूड बेलिंगहम के बाद। तो इसमें जो है किलियन एम्बापे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखें किलियन एम्बापे विनीशियस जूनियर के क्लब आ रहे हैं, विनीशियस जूनियर किसी भी हालत में अपनी लेफ्ट विंग पोजीशन नहीं देंगे। तो इसीलिए थोड़ा डिफेंडर्स के सामने थोड़ा और फिजिकल रहने के लिए, थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए किलियन एम्बापे को वेट गेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अब इतना पेसी नहीं रह गए हैं, उनमें मास काफ़ी आ गया है, कम स्किल्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 9 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं एज अ सेंटर फॉरवर्ड। बात करें हम दूसरे कारण की, तो किलियन एम्बापे जो है अब काफ़ी 2023 में एक ऑप्टा एनालिस्ट का स्टैटिस्टिक आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किलियन एम्बापे ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कम डिफेंसिव इंटरवेंशन करे है और सबसे कम ट्रैक बैक करा है बॉल को। उनके बाद सेकंड नंबर पे इस स्टैटिस्टिक में हालैंड आते हैं। जी हाँ, अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे, जिनका नाम अभी सबकी जबान पर है, किलियन एम्बापे ने सबसे कम डिफेंसिव इंटरवेंशन करे थे पिछले साल और ट्रैक बैक वो बॉल को नहीं करते। तो हम बात करें अगर किलियन एम्बापे के आइडल की, तो किलियन एम्बापे के आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी जब एज अ फॉरवर्ड, एज अ लेफ्ट विंगर या स्ट्राइकर, जब भी वो खेलते थे वो हमेशा बॉल को ट्रैक बैक भी करते थे। जब तक
क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2020 तक जब उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज उन्हें लिमिट नहीं करती थी तो वो भी बॉल को ट्रैक बैक करते थे, अगर बॉल वो लेके जा रहे हैं और किसी डिफेंडर ने उनसे बॉल छीन ली या किसी ने उनको टैकल करा वो बॉल को वापस लेने की कोशिश करते थे। लेकिन किलियन एम्बापे में, जो कि अभी याद रखिए सिर्फ 24 साल के हैं, किलियन एम्बापे अभी भी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं जो कि टीम को डिफेंसिवली हर्ट करती है। तो इसीलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि फ्रांस पूरे टूर्नामेंट वीक दिखाई गई क्योंकि किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर डिफेंसिवली वर्क रेट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, और डिफेंसिव वर्क रेट में कंट्रीब्यूट करने की वजह से भी पेरिस सेंट जर्मेन जो है बड़ी टीमों के सामने फेल करती थी। याद करिए M&M का ट्रायो, मेसी, नेमार और एम्बापे, इनका ट्रायो क्यों फेल हुआ था? क्योंकि काफ़ी कारण थे, लेकिन मेन कारण था कि डिफेंसिव वर्क रेट टीम में काफ़ी कम था। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिफेंसिव वर्क रेट कोई करता था तो वो था नेमार, और उसके बाद एम्बापे, और सबसे कम मेसी करते थे डिफेंसिव वर्क रेट। बट हम बात करें कि फ्रांस की टीम में, तो फ्रांस की टीम में कोलो मुआनी तक डिफेंसिव वर्क रेट शो करते हैं, बट एम्बापे के द्वारा हमें कोई भी डिफेंसिव वर्क रेट इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिखाया गया है। और तीसरा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है कि जैसी फ्रांस में पर्सनल सिचुएशन चल रही है और पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, और किलियन एम्बापे भी जो पर्सनल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रांस में, अभी जो है फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी, फार राइट पार्टी, नेशनल रैली के आने की संभावना हो रही थी, जिसकी वजह से जूल्स कुंडे, राबियोट, ग्रीजमैन और किलियन एम्बापे ऐसे प्लेयर्स काफ़ी तंग थे क्योंकि फार राइट पार्टी की कुछ पॉलिसीज़ जो हिस्टोरिकली रही है वो काफ़ी रेशियल और जेनोफोबिया को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए किलियन एम्बापे हो सकता है कि फ्रांस के बारे में सोचकर, क्योंकि वो इतने बड़े एक प्रोमिनेंट फिगर है फ्रेंच हिस्ट्री के, अब फ्रांस नेशनल टीम का कैप्टन है, तो उन्हें ये सब चीज़ें इफेक्ट करती होंगी। और बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की भी, तो अभी उन्होंने क्लब चेंज करा है, 10 साल या 8 साल बाद उन्होंने अपना बॉयहुड क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को चेंज करा है, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बताया, 16-17 साल की उम्र से वो खेलते हुए आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आना रियल मैड्रिड जो कि उनका सपने का क्लब है, हो सकता है वो प्रेशर थोड़ा रीबिल्ड हुआ हो उनमें, वो प्रेशर को अभी हैंडल ना कर पा रहे हो क्योंकि अभी यूरोस खत्म होने के बाद एम्बापे की प्रेजेंटेशन है। तो हो सकता है ये कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से एम्बापे जो है अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। और एक और, जब PSG में एम्बापे ने रिक्वेस्ट करा था कि उन्हें रियल मैड्रिड जाना है, तो नासर अल खलीफी जो कि PSG के प्रेसिडेंट है उनसे एम्बापे की काफ़ी लड़ाई हुई थी, और न्यूज़ में ऐसा भी आया था कि एम्बापे के ऊपर नासर अल खलीफी ने एम्बापे के ऊपर काफ़ी हमला भी करा था, और इनकी फिजिकल ऑल्टरकेशन भी हुई थी लॉकर रूम में। तो ये तीन कारण थे जिनकी वजह से एम्बापे और फ्रांस नेशनल टीम का जो है परफॉर्मेंस इस यूरोस में खराब था। हालांकि सेमीफाइनल्स में जरूर पहुंचे, पर किस तरह से पहुंचे, काफ़ी इजियर टीम्स को भी फेस करा, पुर्तगाल को भी इन्होंने पेनल्टीज पे हराया, कल स्पेन से 2-1 हारे, तो थोड़ा आसान ही था इनका कैंपेन। हालांकि स्पेन से अब नॉकआउट हो गए क्योंकि स्पेन ऑफकोर्स पूरे 90 मिनट्स जो थी इनकी इनसे बेटर खेली है। और फ्रांस, उम्मीद करेंगे फ्रांस और किलियन एम्बापे अपनी फॉर्म वापस पाते हैं, किलियन एम्बापे को उनके रियल मैड्रिड टेन्योर में ज़रूर फॉर्म मिलेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टेटिस्टिकली भी आज से इस यूरो कैंपेन से पहले किलियन एम्बापे वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और आने वाले टाइम में उन्हीं का जो है रूल फुटबॉल वर्ल्ड में छाएगा, हो सकता है आने वाले 3 साल में बैलन डॉर्स भी लेके जाए। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।